हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं आपके सामने एसके शर्मा आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आऊं। उस न्यू टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमेबल आइटम्स। बच्चों, ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। आपके मन में सवाल उठता होगा, सर कंज्यूमेबल आइटम्स होता क्या है। बच्चों, ऐसा प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है जो हम रिकरेंटली यूज करते हैं, जो डेली यूज करते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हम डेली यूज करते हैं, उससे क्वांटिटी में डेट मीन्स कमी आ जाती है, तो बेटा वो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। डेली हम यूज करें और उससे क्वांटिटी में कुछ कमी आ जाए तो वो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। और उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हम डिस्कार्डेड कर देते हैं, फेंक देते हैं, हटा देते हैं। डेट मीन्स वी कैन से डेट यूज एंड थ्रो। जिसको हम यूज भी कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं। जैसे बेटा ये पेन है, इस पेन को हमने यूज किया और यूज करने के बाद डेट मीन्स हमने अपना मतलब निकल गया तो फेंक दिया, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स बोलेंगे। अगर कोई दोस्त आपको यूज करता है और यूज करने के बाद आपसे दोस्ती तोड़ देता है, तो बेटा अपने आप को समझ लेना, आप कंज्यूमेबल आइटम हो। आप उसको यूज के लिए तब तक वैल्यू थे, जिस दिन आपका यूज खत्म हो गया, जिस दिन आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, वो आपको उठा के फेंक दिया, तो बेटा एक तरह से आम मानवता भाषा में उसे भी कंज्यूमर आइटम्स बोलेंगे। अपने आप को कंज्यूमर आइटम्स बोल सकते हो। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन कौन से कंज्यूमर आइटम्स हैं जो डिस्कार्डेड किए जाते हैं, जो डेट मीन्स गेट यूज अप किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके मन में उठता होगा, तो बेटा इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो खाने का प्रोडक्ट हो, चाहे वो डेट मीन्स मेडिसिन हो, चाहे वो डेट मीन्स स्टेशनरी हो, एनीबॉडी, चाहे कोई भी डेट मीन्स पोस्टेज हो या कोई भी स्टेशनरी हो, कोई भी पोस्टेज हो, ये कंज्यूमर आइटम्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके मन में सवाल उठता होगा कि कंज्यूमर आइटम्स सर होता क्या है। तो मैंने तो शुरुआत में ही बोला कि जिस प्रोडक्ट को हम रिकरेंटली लगातार, रिकरेंटली का मतलब होता है बेटा बार बार यूज करना, जिस प्रोडक्ट को हम बार बार यूज करें और उसके क्वांटिटी में जो कमी आ जाती है, तो उसे हम लोग डेट मीन्स कंज्यूमर आइटम्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर आइटम्स को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर आइटम्स या डिफाइन कंज्यूमर आइटम्स, तो आप कैसे लिखोगे। इसको लिखने का एक आसान तरीका है, दो से तीन लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंज्यूमेबल्स आइटम या कंज्यूमेबल गुड्स। कैसे डिफाइन करेंगे आपके मन में सवाल, एकदम ये आसान भाषा में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है बेटा, कंज्यूमेबल्स गुड्स आर प्रोडक्ट। जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, एक सामान होते हैं। जो कंज्यूमेबल जो गुड्स होते हैं बेटा वो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। दैट कंज्यूमर्स, जिसमें जो कंज्यूमर्स, देखो कंज्यूमेबल्स का मतलब जो गुड्स प्रोडक्ट, और कंज्यूमर का मतलब गुड्स को यूज करने वाला। तो यहां पर कंज्यूमेबल गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट है, एक सामान है, और यहां पर कंज्यूमर का मतलब हुआ उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला। दैट कंज्यूमर यूज रिकरेंटली, देखो ना कितना आसान भाषा है, आप मेरे साथ साथ लिखते सकते हो। आप कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते चलो आप मेरे साथ साथ। कंज्यूमेबल गुड्स आर प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स यूज रिकरेंटली। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट मीन्स विच गेट यूज ऑफ एंड डिस्कार्डेड, एंड क्या डिस्कार्डेड। आप कभी कभी मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें लिखता हुआ कैंसल या डिस्कार्डेड, और डिस्कार्डेड का मतलब है जो आपने काम के वो पूरी तरह से हटाना चाहते हो, आपने यूज कर लिया उसको हटा दो। तो डिस्कार्डेड का मतलब है बेटा आपने यूज किया उसको हटा दो। और इसका एक वर्ड हमने बहुत एक अच्छा वर्ड लिखा है, गेट यूज अप। गेट यूज अप का मतलब क्या हुआ, हमने यूज किया उसके बाद उसको फेंक दिया, तो उसको बोलते हैं गेट यूज अप बोलते हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम्स भी ऐसे होते हैं कि हमने यूज किया उसके बाद उसको हटा दिया, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमेबल्स क्या आइटम्स बोलेंगे। चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे डेट मीन्स वो कोई ऑफिस रिलेटेड सामान हो, चाहे वो डेट मीन्स वो पोस्टेज से रिलेटेड सामान हो, चाहे वो डेट मीन्स कोई फार्मेसिस्ट कोई सामान हो, तो ये सारे आइटम को हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। तो बेटा यहां पर ये जो कंज्यूमेबल आइटम, जो यहां पर बात हो रही है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो इस कंज्यूमर गुड्स में आपको जैसे आपको, जस्ट अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स में क्या होंगे, जैसे आपका आ गए स्टेशनरी, आ गए स्टेशनरी एक कंज्यूमर गुड्स है।
फिर बेटा स्टेशनरी के बाद ये आपका आ गया मेडिसिन, मेडिसिन एक कंज्यूमर गुड्स है। फिर बेटा मेडिसिन के बाद आपका डेटमिस हम बोल सकते हैं कोई फूड, फूड कोई स्टफ है, कोई फूड डेटमिस खाने का जो सामान है वो भी एक कंज्यूमर स्टफ है। फिर इसके बाद एक स्पोर्ट्स मेटेरियल जो जो खेलने का सामान होता है बैट फुटबॉल जो भी डेटमिस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें बैट होते हैं फुटबॉल होते हैं ये जितने भी सामान है खेलने वाले जितने भी सामान है सब वो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं ठीक है। उसके बाद आप जस्ट बोल सकते हैं कि पोस्टेज, पोस्टेज एंड स्टाम्प ये जितने भी सामान होते हैं ये सारे कंज्यूमर होता है। आपको जब 12th क्लास का आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं तो 12th क्लास में आपको कंज्यूमर आइटम्स में ज्यादातर ही रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, मेडिसिन रहेंगे, फूड रहेंगे और ज्यादातर स्पोर्ट मटेरियल, मतलब ज्यादातर आपको तीन रहेंगे, सॉरी फूड तो ज्यादातर नहीं रहेंगे लेकिन स्टेशनरी मेडिसिन और स्पोर्ट मटेरियल ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा या तो पोस्टेज स्टाम्प हो सकते हैं ठीक है। फिर अदर अदर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी डेट में हम लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं उसको भी हम लोग कंज्यूमर आइटम से, जैसे ईयरफोन आपका हो गया, जैसे आपका ईयरफोन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, जिस दिन आप यूज कर रहे हैं तो डेट में वो कंज्यूमर आइटम्स हो जाते हैं उसको आप फेंक देते हैं। यहां तक कि कंप्यूटर्स भी कभी कभी कंज्यूम्स निकालना होते हैं उसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेटा अगर अगर कोई पूछ दे कि आपको डेट मीन्स कंज्यूमर गुड्स का मीन्स व्हाट, क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, तो बोल देना कि सर कंज्यूमर गुड्स एक प्रोडक्ट है जिसको हम रिकरेंटली यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं और बार बार जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उसके क्वांटिटी में जो कमी आ जाती है दैट मीन्स वही एक कंज्यूमर आइटम गुड्स होता है। स्टेशनरी सपोज कर लीजिए, स्टेशनरी एक पेंसिल का डब्बा है मेरे पास उसमें 10 पीस रहते हैं, हमने एक पीस यूज किया 9 पीस हो गए, फिर हमने एक यूज किया फिर 8 पीस हो गए, बार बार उसी स्टेशनरी को यूज कर रहे हैं तो उसके दैट मीन्स कंज्यूमेबल वैल्यू में जो कमी आ गई, कंज्यूमर आइटम्स में क्वांटिटी में जो कमी आ गई उसे ही तो हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। क्लियर है? तो कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स आर रिकरेंटली यूज, कंज्यूमर्स यूज रिकरेंटली, इट मींस विच गेट यूज ऑफ एंड डिस्कार्डेड। मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें कंज्यूमर जो है रिकरेंटली यूज करता है, बार बार यूज करता है। अगर कोई पूछ दिया कि कंज्यूमर गुड्स का दैट मींस एग्जांपल क्या है तो आपको फॉर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल का मतलब स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गया, फूड्स हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, पोस्टेज स्टाम्प हो गए एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ये एक तरह से एक कंज्यूमेबल आइटम्स के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या हुआ बेटा, बेटा क्या बोलो, हाँ बेटा अगर तुम ईयरफोन लगा रहा है, ईयरफोन यूज कर रहा, बार बार यूज कर रहा, जो कर रहा है कि नहीं बोल रहा हूं, तो बार बार तुम यूज कर रहा है, खराब हो गया फेंक दिया डिस्कार्डेड कर दिया, तो एक कंज्यूमर आइटम्स है आपका, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है कंज्यूमर आइटम मींस व्हाट, कंज्यूमर आइटम का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर कंज्यूमेबल गुड्स आर प्रोडक्ट, आपको एक डिफाइन याद रखना है, कंज्यूमेबल गुड्स आर प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स That consumers use recurrently, जिसमें प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स रिकरेंटली यूज करते हैं एंड डिस्कार्डेड कर देते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग that means consumable goods कहते हैं। अब जब हम जान लें कि consumable goods क्या है, अब हम लोग जस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को आप कैसे क्रिएट करते हैं या कंज्यूमर गुड्स को कैसे आप that means प्रिपरेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं हाउ कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, आप कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, मेटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका क्या है। तो बेटा एक सिंपल सा इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि मेटेरियल कॉस्ट ऑफ कंज्यूम कैसे निकाला जाए, तो पहले आप इसको नोट कर ले फिर इसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओके। हो गया राउंड, उतार लिया, बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर क्या बोलो, अच्छा गेट यूज ऑफ एंड डिस्कार्डेड, अच्छा देखो गेट यूज ऑफ और डिस्कार्डेड, अच्छा अच्छा एंड लिख दिए थे, ठीक बोला, अच्छा अच्छा और लिख दो बेटा, ठीक है, और गेट यूज ऑफ और डिस्कार्डेड क्या है ना, दोनों एक ही होता है बेटा, गेट यूज ऑफ बोलो या डिस्कार्डेड, ब्रो डिस्कार्डेड का मतलब भी हटा देना और गेट यूज ऑफ का भी मतलब होता है
गेट यूजअप, आपको यूज किए उसके बाद आपको हटा दिया गया, उसको बोलते हैं गेट यूजअप। बहुत अच्छा, गुड। नहीं एंड था इसलिए तुम कंफ्यूज कर रहा था, बड़ा तेज हो गया रे तुम। चलो ठीक है, गेट यूजअप और डिस्कार्डेड। ठीक है, और क्या सवाल है बोलो। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या सवाल, क्या डाउट है? अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखो बेटा एक चीज आप याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम जैसे कंप्यूटर्स हो जाए, मोबाइल्स हो जाए, एनी बडे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपका अगर हो जाए, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज हो रहा है, यूज हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान यूज हो रहे होंगे, तो ये सबका कंज्यूमेबल आइटम से बोलेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज आपको याद रखना होगा, थोड़ा मैं ऊपर लेवल पे जा रहा हूं, कि अगर जब भी चाहे कंप्यूटर्स हो, एनीबडी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, अगर चाहे कंप्यूटर्स हो चाहे कोई भी एनीबडी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सामान का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दे दिया है बेटा, तो बेटा उसका तो आपको कंज्यूमेबल आइटम्स निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चंस में जैसे कंप्यूटर का ओपनिंग दे दिया है, कंप्यूटर का क्लोजिंग आइटम भी दे दिया है, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूटर भी दे दिया है, तो ये अगर तीनों चीज अगर दे दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कंज्यूमेबल निकालना पड़ेगा, कितना कंज्यूम किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम पे ओपनिंग और क्लोजिंग देगा ही, स्टेशनरी पे भी ओपनिंग क्लोजिंग देगा, मेडिसिन का भी ओपनिंग क्लोजिंग देगा, फूड का भी, स्पोर्ट मटेरियल। लेकिन जनरली अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर को हम लोग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे तो। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें बात करेंगे जब। अच्छा हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत? अभी हम जस्ट आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं उस पर, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैंने केवल आपको यह याद रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया हो और परचेज ड्यूरिंग का दे दिया हो तो समझ जाना कि उसका कंज्यूमेबल आइटम्स निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा अगर कोई भी स्टेशनरी हो या मेडिसिन हो या फूड स्टॉफ हो या पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो या स्टाम्प हो, अगर इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे दे और आपको दैट मीन्स परचेज दे दे, तो बेटा समझ जाना कि आपको कंज्यूमेबल्स निकलेगा किसी का भी, ये चीज याद रखना है चाहे किसी भी आइटम्स का। अच्छा हाँ बोलो बोलो, क्या सवाल है? हाँ एकदम अच्छी बात है, ठीक है, हाँ एकदम ठीक बोल रहा है, एकदम गुड गुड। कुछ ऐसे आइटम है जो हम डेली यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसे हटा देते हैं, वो कंज्यूमेबल होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में फर्नीचर है, कोई फर्नीचर है तो तुम क्या कर रहा है उसको, डेली क्या यूज कर रहा है बताओ बेटा। फर्नीचर कोई भी फिक्स सेट है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर्स का कोई आइटम्स होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई एसेट्स होता है, तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई एसेट हो गया अगर उसको डेट मीन्स हम यूज कर रहे हैं, रखा हुआ है तुम्हारे घर में फर्नीचर रखा हुआ है, अब जस्ट जिस दिन तुमने परचेस करके लाया था उस समय का वैल्यू कुछ और था और जैसे तुमने 10 ईयर्स या 5 ईयर्स यूज किया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। तो एक चीज आप याद रखना, फिक्स एसेट में या कैपिटल नेचर्स के एक्सपेंडिचर में अगर वैल्यू गिरावट आती है, याद रखना, अगर अगर आप यूज कर रहे हैं, रेगुलर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, तो बेटा आप यूज कर रहे हैं तो डेली यूज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स नहीं है, आप उसको यूज करके फेंक नहीं रहे। आप अभी कार चलाएं, अभी आप कार चलाएं ना, तो कार चलाएं तो क्या कार को फेंक दिए क्या? नहीं बेटा, माने उस ऐसा गुड्स जिसको हम यूज करने के बाद उसको हम फेंक भी सकते हैं, वैसे गुड्स को हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। यूज करने के बाद उसको हटा भी सकते हैं, मतलब जब तक था तब तक यूज किया, जब मतलब निकल गया तो उसको हटा दिया, ऐसे गुड्स को हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। क्लियर है? स्टेशनरी हमने यूज किया, अब देख रहे हैं कि मेरा काम का नहीं, उसको हटा दो। पेंसिल हम यूज करते हैं कि छोटा हो जाता है बेटा, हम उसको हटा देते हैं, बोलो आप दूसरा पेंसिल लेके आओ। लेकिन कार बेटा आप यूज करते हो तो क्या दूसरा कार लेके आते हो? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन हम इसको अगर बार बार यूज कर रहे हैं तो डेट मीन्स को हटा भी देते हैं, डिस्कार्डेड भी कर देते हैं, ऐसे कंज्यूमर आइटम्स होते हैं बेटा। जितने भी कैपिटल नेचर्स के होते हैं, जो फिक्स एसेट होते हैं, उसमें वैल्यू गिरावट होती है अगर हम लगातार किसी को यूज कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटी की गिरावट नहीं होती है। लेकिन कंज्यूमर आइटम्स क्या होती है, क्वांटिटी डेट मीन्स गिरती है, वैल्यू नहीं गिरती है, याद रखना, क्वांटिटी कम होती है। 50 केजी चावल है आपके खाने का, डेली आप 1 केजी यूज कर रहे हो तो डेली यूज कर रहे हो तो 50 केजी में 1 केजी यूज कर 49 केजी हो गया। लेकिन बेटा अगर आप कार यूज कर रहे हैं तो क्या गिर रहा है, वैल्यू गिर रहा है उसका, डेट मीन्स
प्राइस मनी गिर रहा है। अगर मोटरसाइकिल आपने 60,000 में परचेस करके लाया और अगर आप 4 साल यूज कर रहे हैं तो उस मोटरसाइकिल का वैल्यू डेट मीन जरूर गिर जाएगा, 20-30 हजार में आ गया। तो क्या गिरा? उसका वैल्यू गिर गया। तो डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं, जिसमें वैल्यू गिर जाती है। फिक्स एसेट को यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू गिर जाती है, वो डेप्रिसिएशन है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी डेप्रिसिएशन का यूज होगा। आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो कंज्यूमर आइटम्स पढ़ रहे हैं। आपको कंज्यूमर आइटम्स में आपको ये याद रखना राहुल कि जिस आइटम को कंज्यूमर आइटम्स एक प्रोडक्ट है जिसको हम रिकरेंटली यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, और उसके क्वांटिटी में गिरावट आ जाती है तो उसे हम लोग कंज्यूमर आइटम्स बोलते हैं। वो ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी होते हैं, ज्यादातर डेट मीन्स मेडिसिन होता है, मेडिसिन हॉस्पिटल में जो मेडिसिन होते हैं, फार्मेसिस्ट में जो मेडिसिन होते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, समझे कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ये सब डेली बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंज्यूमर आइटम्स। चलिए अब जस्ट आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है कि सर कंज्यूमर आइटम्स को निकालने के एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो क्लियर क्रिएट हो जाएगा कि उसका कॉस्ट वैल्यू अगर निकालना होगा कंज्यूमर का, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, मतलब हमें कंज्यूमर आइटम का कॉस्ट वैल्यू निकालना है कि मेरा कितना कॉस्ट का मेरा यूज हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, इसमें निकालना क्या है, इसमें तो आराम से देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि डेट मींस तुम्हारे घर में राइस आते हैं, चावल आते हैं, और आप पता करना चाहते हो कि मेरे घर में हर महीना कितना चावल यूज होता है, कितना केजी हम यूज करते हैं। तो देखो कैसे निकालना, सबसे पहले अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होगा आपका चावल का पहले से होगा, मान लो 5 केजी पहले से था, ठीक है, माने 5 केजी चावल आपके पास पहले से था, पहले से रखा हुआ होगा। फिर आपने मार्केट गया और फिर परचेस किया, दैट मीन 30 केजी चावल परचेस कर लिए, 30 केजी परचेस किए, और यूज करने के बाद लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक उस चावल का बच गया, 10 केजी बच गया। अब बताओ पामन कितना केजी हम यूज किए, बताओ। हाँ, तुम्हारे घर में चावल पहले से 5 केजी था, तुमने मार्केट गया और मार्केट से दैट मीन 30 केजी चावल उठा लिया, और 30 केजी चावल उठाने के बाद फिर तुमने 10 केजी उठाने के बाद यूज करने के बाद तुम्हारे घर में फिर 10 केजी चावल बच गया। तो अब तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे घर में कितने केजी चावल यूज हुए हैं। बेटा जो वीडियो देख रहे हो भी अपने मन में सवाल देंगे कितने केजी चावल यूज हुए, मन में जरूर सवाल देना, मैं जवाब दूंगा जस्ट यहां पर, तो समझना कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी डेट मीन्स मन में सवाल का जवाब खोजेंगे और अपने मन में बोल के निकाल के रखेंगे अपने कॉपी कलम में। ठीक है, चलो बेटा बताओ, 10 केजी ओपनिंग स्टॉक था, सॉरी 5 केजी ओपनिंग स्टॉक था, 30 केजी हमने परचेस किया, उसमें से 10 केजी हमने बचा लिया, तो बताओ कितना केजी चावल यूज किया। सिंपल सी जवाब है कि 5 केजी। हाँ बोलो 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 बोलो, कितना, क्या बोला, 25 कंफर्म है, एकदम कंफर्म, लॉक कर दें, सोच लीजिए सर, गलत जवाब झापड़ केबीसी में, गलत जवाब झापड़ सोच लो अमन, गलत जवाब झापड़ होगा, कॉन्फिडेंस पूरा एकदम डन कर दें, लॉक कर दें, चलो लॉक कर देते हैं। अब तुम देखो तेरा सही है कि गलत है। 5 केजी चावल हमने पहले से था, 30 केजी चावल हमने मार्केट से परचेस किया, तो टोटल मेरे पास डेट मीन 35 केजी के राइस बच गए। अब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यूज करने के बाद बच गया, तो बेटा 35 केजी, सोचो कॉमन सेंस, सब लोग सोचेंगे, वीडियो वाले भी सोचेंगे, 35 केजी मेरे पास चावल है, 35 केजी, और 35 केजी में 10 केजी मेरा बच गया, तो 10 केजी बच गया तो यूज कितना हुआ, 25 केजी, एकदम सही जवाब उसका हुआ, जीत गया पैसा वो जीत गया केबीसी। हाँ, तो 35 केजी में 10 केजी डेट मीन्स वो सेव कर लिया, 10 केजी नहीं यूज हुआ, तो मेरा टोटल कितना यूज हो गया बेटा, 25 केजी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम रटना है क्या, नहीं रटना है, इसे रटना नहीं कि कॉस्ट कैसे निकालना। तो बेटा हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेज एड कर दिया, जितना टोटल था उसको ले लिया, और जितना क्लोजिंग बचा उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो निकल गया एक फॉर्मूला, तो अपने आप क्रिएट हो गया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस परचेज ऑफ गुड्स और माइनस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख लो ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा। कंज्यूमेबल ऑफ आइटम्स जो होते हैं, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर जो आइटम होते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम हाउ कैन यू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कंज्यूमर आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक फॉर्मूला बन गया कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस परचेज ऑफ गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। देख लीजिए, कभी भी फॉर्मूला अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं आता है तो आप क्या करो, अपने ऊपर एग्जांपल ले लो कि सर मेरे घर में 25 केजी था गेहूं था, 25 केजी पहले से था, 30 केजी और लाए, 55 केजी हो गया, 10 केजी बच गया, कितना यूज हुआ, 45 केजी यूज हो गया। ऑटोमेटिक आप अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, आपको रटने का जरूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कंज्यूम हो रहा है दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन का जो है आइटम्स क्या है ना, घट रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो याद रखना इसके बारे में बोला गया है, इट विल बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये हुआ कि जब भी अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम निकाल लेंगे तो इट विल बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इसे शो किया जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को। बेटा कभी कभी इसको बोल देता है कि आप इसे हाउ कैन यू सेटल इन बैलेंस शीट, आप इसको बैलेंस शीट में भी सेटल कैसे करोगे। तो पहले आपको याद रख लो, एकदम रियल ट्रीटमेंट आपको यह याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो भी हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, इसको फुटनोट वर्किंग नोट में निकालना होगा, इसे निकालने के बाद जो भी आएगा वर्किंग नोट में, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उसके साथ ही साथ में कभी बोल देगा हाउ कैन यू सेटल इन बैलेंस शीट, आप इसको बैलेंस शीट में कैसे सेटल करेंगे, जस्ट अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, एक सिंपल सा चीज, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो लिखे रहेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दे दिया है 10,000। फिर बेटा स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट एंडिंग आपको दे दिया है ₹30,000, ठीक है। और फिर बेटा आपको दे दिया है परचेज ऑफ मेडिसिन 2,70,000 दे दिया। सपोज कर देते तो बोलेगा कैलकुलेट, क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट मेडिसिन कंज्यूम, कैलकुलेट मेडिसिन कंज्यूम, आपको मेडिसिन कंज्यूम निकालना है एनपीओ में। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन से ये अंदाजा मत लगा लेना कि दैट मींस ऐसा ही सारा कंज्यूमर आइटम्स बनेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक दैट मींस समझने के लिए एग्जांपल लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, इट विल बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको याद रखना, कंज्यूमर आइटम्स को, माने इट का मतलब हो गया कंज्यूमर आइटम्स विल बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड, याद रखना बच्चों, एक्सपेंडिचर साइड शो करना है, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में इसे शो किया जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट बिगिनिंग 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंडिंग 30,000 एंड परचेज ऑफ मेडिसिन दैट मीन्स ₹2,70,000, कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
कि आपको निकालना है। अभी मैं जस्ट को भी मेथड से बना रहा हूं, जब वो इसको बनाने का प्रोसेस बहुत सारा है, बनाने का दो प्रोसेस, इसको बनाने का एक प्रोसेस है फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस जिसको हम लोग स्टेटमेंट मेथड बोलते हैं, और दूसरा प्रोसेस है अकाउंट प्रोसेस जैट मीन जिसको लेजर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस है। अभी मैं जस्ट इस फॉर्मूला पे अप्लाई करके बना रहा हूं और ये ट्रीटमेंट दिखा रहा हूं कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूमल आइटम, दैट मींस कंज्यूमल आइटम कौन हो गया, मेडिसिन। तो मेडिसिन का कंज्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है देख लो, ओपनिंग स्टॉक देखो यहां पर लिखते हैं मेडिसिन कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, तो मेडिसिन कंज्यूम फॉर्मूला में क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, तो बेटा बिगिनिंग को ओपनिंग बोलते हैं, तो ओपनिंग कितना है 10,000। ठीक है, प्लस परचेज ऑफ गुड्स, तो बेटा परचेज कितना है देख लो, परचेज ऑफ मेडिसिन 2,70,000, देखो कितना आसान है। फिर बेटा यह है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, अब यहां पर 2,70,10, 2,80,000 और 2,80,000 में बेटा 30 चल जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2,50,000 आ जाएगा। तो यही आपका मेडिसिन कंज्यूम हो गया, हमने 2,50,000 का मेडिसिन कंज्यूम किया। हाउ कैन यू सेटल, तो आप सेटल कर सकते हो जैसे भी हमने बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि इसे दैट मींस शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहां पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एसेस बना लेना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी डेट रहेगा, और ऐसे ये बनेगा, और इधर साइड आपका होता है एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, और इधर आपका होता है इनकम साइड, और फिर यहां पर लिख देंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम 2,50,000 बेटा, हो गया सोट, हो गया सो हो गया। तो मैं एक एग्जांपल ये लिया हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ, माने इन एनपीओ, एनपीओ में इसका कंज्यूम आइटम का ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो इट विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसको समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया है, क्वेश्चंस लिया है, एक दैट मींस बताया है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द बिगिनिंग 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंडिंग 30,000, परचेज ऑफ मेडिसिन 2,70,000, कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। देख ले, ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000, परचेज आपका 2,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, और 2,50,000 को ऐसे आपको शो करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे, सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द कंज्यूमर आइटम्स फॉर डिफरेंट प्रोसेस, ओके, और बैलेंस शीट का सेटलमेंट भी जानेंगे कि कंज्यूमर आइटम को बैलेंस शीट में हाउ कैन यू सेटल, कैसे सेटल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं। हो गया, उतर गया बेटा, मिटा दें। हाँ, अभी अभी एक्चुअली क्या है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एनपीओ, माने एनपीओ में जैसा हम लोग एनपीओ में ये जो कंज्यूमर आइटम्स है इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ना एक्सपेंडिचर साइड में, तो उसी का हम एग्जांपल लिए बेटा कि अगर हम बनाएंगे तो कैसे, हाउ कैन यू ट्रीट, आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो चीज बताए। अब हम बता रहे हैं, अब मेन प्रोसेस अब चलेगा बेटा, देखो कैसे। हाँ, अब एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है, अब जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। हाउ हाउ कैन यू सेटल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हाउ कैन यू सेटल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये पढ़ने जा रहा है, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा उसे आप सेटलमेंट कैसे करोगे, कैसे सेटल करो, कहां सेटलमेंट करोगे, कहां पर दिखाओगे, कहां शो करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ कैन यू सेटल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो बेटा जैसे एक फॉर्मूला हमने अभी जस्ट दिया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जितने भी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं ना,
स्टेशनरी हो गए, मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ये सब का हम लोग कॉस्ट निकालेंगे कि कितना मटेरियल का कॉस्ट कंज्यूम हो गया। ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी कंज्यूमल आइटम्स है उसका कॉस्ट वैल्यू क्या है, कंज्यूम करने का कॉस्ट वैल्यू क्या है, वो चीज हमको रिकॉर्ड करना है। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ गुड्स और माइनस बेटा होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, यहां भी लिख दें ऑफ गुड्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, परचेज ऑफ मेडिसिन हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है, गुड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहां पर जो हमने दिया, ये जो फॉर्मूला हमने दिया, देखो अब ध्यान से देखना कैसे कंज्यूम करेंगे। ये जो कॉस्ट ऑफ जो मेटेरियल कंज्यूम होगा ना, ये जो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम होगा, तो इसको बोला गया है टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड। टू बी सोन जो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम होगा, टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखना कि जो भी कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम अगर होगा तो उसको दिखाया जाएगा टू बी सोन, ये सोन है बेटा, हाँ, टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम को जो है इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, फिर बेटा ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, जैसे स्टेशनरी का कोई ओपनिंग हो गया, कोई मेडिसिन का ओपनिंग हो गया, तो बेटा इसको किया जाएगा टू बी सोन ऑन एसेट साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। याद रखना मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, जैसे कोई स्टेशनरी हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें दो बैलेंस शीट बनते हैं एनपीओ में, एक ओपनिंग बैलेंस शीट दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग स्टॉक वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है तो टू बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसका जवाब तो आपके मन में जस्ट आ गया होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको भी लिख सकते हैं टू बी सोन ऑन द क्या एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। याद है करना बच्चा, तो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, अगर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम होगा तो टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक का कोई स्टेशनरी होगा या मेडिसिन होगा या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स होगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा तो टू बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग स्टॉक का कोई आइटम्स होगा तो टू बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, एक नोट्स भी आपको याद रखना होगा इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखना होगा। क्या नोट्स याद रखना है, क्या एक नोट्स याद रखना है, इफ एनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स देन इट विल बी कंसिडर रेवेन्यू रिसिप्ट, सो इट इज ट्रीटेड ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट से जो आपको याद रखना है, यदि हम कोई कंज्यूमर आइटम्स को सेल कर देते हैं, जैसे सेल ऑफ स्टेशनरी, तो बेटा जी जब सेल ऑफ स्टेशनरी है तो हमने अभी बताया
कि स्टेशनरी का कोई कंज्यूमर आइटम है तो उसको एक्सपेंडिचर में शो करो। नहीं बेटा, जब भी अगर कोई सेल दे दिया हो, हम बेच रहे हैं किसी स्टेशनरी को, बेच रहे हैं किसी मेडिसिन को, तो बेटा ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये इनकम माना जाएगा, इसको दैट मींस इनकम साइड में शो किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नोट्स आपको याद रखना है, बहुत ही भली भांति आपको याद रखना है। मतलब यदि कोई हम सेल, कोई कंज्यूमर आइटम को सेल कर दिए हैं, अब वो सेल कर दिए हैं तो बेटा सेल करने के बाद जो रिसिप्ट होगा वो इनकम होगा, इसलिए उसे दैट मींस इट इज ट्रीटेड ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया कि हाउ कैन यू सेटल द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कैसे कंज्यूम करेंगे। तो हमने बताया कि कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम को टू बी सोन ऑन द ऑन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ओपनिंग स्टॉक को जो शो करना है, ओपनिंग स्टॉक कोई ओपनिंग स्टेशनरी हो उसको बैलेंस शीट में शो करना है, टू बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग जो है मेटेरियल आपको टू बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट, परचेज ऑफ गुड्स को कोई शो नहीं करना। और आपको एक नोट याद रखना है, इफ एनी रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, किसी भी कंज्यूमर आइटम को बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल ऑफ स्टेशनरी, सेल ऑफ स्पोर्ट्स फंड, या सेल ऑफ पोस्टेज, सेल ऑफ मेडिसिन, अगर ऐसा अगर क्वेश्चंस में लिखा हो, हाँ कंज्यूमर आइटम्स लिख देते हैं, इफ एनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम गिवन इन क्वेश्चंस, देन इट विल बी कंसिडर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, सो इट इज ट्रीटेड ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसी भी कंज्यूमर आइटम को बेचेंगे तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और उसको डेट मीन इनकम साइड में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्लियर है? उतार जल्दी नोट्स के बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स पढ़ेंगे। ठीक, इसमें क्या है, दो प्रोसेस है, आपको इसमें दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे। पहला प्रोसेस आपका है फॉर्मूला बेस्ट प्रोसेस, जिसे हम लोग किताबी भाषा में स्टेटमेंट प्रोसेस बोलते हैं या स्टेटमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम कंज्यूमर आइटम्स को जो कैलकुलेट करेंगे तो किस प्रोसेस से करेंगे। तो सर अभी जो आपने बताया वो क्या बेटा, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो सब भी अप्लाई होगा, लेकिन इसका बनाने का जो तरीका है, बनाने का जो मेथड है वो कौन सा है। तो इसमें एक है फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, जो जो आइटम देगा सेटल करेंगे और आंसर आ जाएगा, या उसको हम लोग दूसरी भाषा में स्टेटमेंट प्रोसेस या स्टेटमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड में आपका है अकाउंट्स प्रोसेस, जिसे हम लोग किताबी भाषा में लेजर मेथड या लेजर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स को, कंज्यूमेबल आइटम्स को निकालने के लिए आपको दो प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लिखा हुआ है स्पेशल रूप से कि आपको स्टेटमेंट प्रोसेस से बनाना है, स्टेटमेंट मेथड से बनाना है, तो आप स्टेटमेंट मेथड से बनाना, और फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस से बनाना है तो फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस से बनाना, अगर अकाउंट प्रोसेस या लेजर प्रोसेस से बोलेगा तो लेजर प्रोसेस से बनाना, लेकिन अगर कोई भी मेथड ना बोला हो तो आप कोई भी प्रोसेस से इसे बना सकते हैं, इसमें कोई डेट मीन्स गलती होने की चांस नहीं है। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चंस में बोल दिया कि आपको दैट मींस लेजर प्रोसेस से बनाना है और आप बना देते हैं स्टेटमेंट प्रोसेस से, तो बेटा यहां गलत तो है, गलत हो जाएगा, मार्क्स सही नहीं है। मतलब आपको लेजर प्रोसेस बोला और आपका स्टेटमेंट प्रोसेस बना दिए, तो बेटा ये सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है सही नहीं है लेकिन गलत ना, मार्क्स तो मिलेगा, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप क्यों, कुछ मार्क्स क्यों लेने के लिए, आप जब अकाउंट्स में 100 में 100 मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आप कुछ मार्क्स के पीछे क्यों पड़े हैं। आपको जो प्रोसेस बोला है उसी प्रोसेस से आप एग्जाम में बनाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस
बेटा ये जो क्लास है ना कंज्यूमर आइटम्स का जो क्लास है ना, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए कम से कम दो वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे। आज हम देखेंगे जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस स्टेटमेंट का क्या क्या फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे इसका, फॉर्मूला बेस से और लेजर से, उस पर एक वीडियो बनेगा तो आपको मजा आएगा। तब तक जितना मैंने अभी पढ़ाया है उस सबको आप रिविजन करके जरूर रखना, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर है। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस स्टेटमेंट प्रोसेस में क्या है, इसमें जस्ट इसमें बोला गया है कैसे निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, हमने बोल दिया वैसे आइटम्स जो रिकरेंटली यूज हो रहे हैं और डिस्कार्डेड किए जा रहे हैं उसे हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। वैसे प्रोडक्ट हम बोले थे ना कंज्यूमेबल आइटम्स क्या है, तो कंज्यूमेबल आइटम्स आर प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेट मीन्स रिकरेंटली यूज होते हैं। तो कंज्यूमर आइटम्स जैसे स्टेशनरी हो गए, मेडिसिन हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, उसने कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स हमने लिख दिया। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आपको एक फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले स्टॉक एट द बिगिनिंग, मतलब जो पहले से स्टॉक बचा हुआ जैसे बोल रहे थे, फिर उसमें ऐड करेंगे बेटा परचेज, परचेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर्स, उस ईयर्स में हमने जो स्टॉक परचेज किया है उसको भी डेट मीन्स प्लस करेंगे। फिर क्या होता है, कभी कभी सामान हम उधार भी लेते हैं, कभी कभी सामान जो है वो भी मेडिसिन, जैसे हम गए दवाई दुकान में कि भैया दवा देना तो कितना हो भैया 300 रुपया, भैया पापा बोले खाता में लिखने रहते लिख लेते हैं। तो जिस पर्सन से हम डेट मीन्स उधार ले रहे हैं है ना, द गुड्स परचेज फ्रॉम दोज पर्सन, जिस पर्सन से हम उधार ले रहे हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर्स हो जाता है। तो डेट मीन्स मेरा क्रेडिटर्स कितना, उसको भी इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स एट द एंडिंग, एंडिंग का क्रेडिटर्स होना चाहिए एट द एंडिंग, ठीक है। फिर बेटा अगर हम किसी को एडवांस, किसी क्रेडिटर को हम एडवांस में पेमेंट कर दिए, एडवांस में होता है ना कि हम किसी को सामान ला रहे हैं, मेडिसिन कहीं से मंगवा रहे हैं तो हम एडवांस में पेमेंट किए, हॉस्पिटल वाला एडवांस में दे दिए, या स्टेशनरी के ऑफिस के लिए मंगवा रहे हैं तो एडवांस पेमेंट कर दिए, तो उसका भी काम हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एडवांस एडवांस पेड टू सप्लायर, सप्लायर का मतलब जो हमें सामान पहुंचा रहा, सप्लायर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में वो कितना सप्लायर हमको सामान दिया वो चीज। तो ये चार चीज आपका है स्टेटमेंट प्रोसेस में, ये स्टेटमेंट प्रोसेस है, ये जो हम लोग पहला बता रहे हैं ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। डेट मीन्स यहां पर लिख देते हैं, ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है ये पहला प्रोसेस है, इसका नाम है स्टेटमेंट प्रोसेस, मतलब स्टेटमेंट से आपको कैसे निकालना है, लेजर प्रोसेस नहीं है, स्टेटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टॉक एट द बिगिनिंग लेना है, परचेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर्स एंड क्रेडिटर एट द एंडिंग, और आपका हो गया एडवांस पेड टू द सप्लायर एट द क्या बिगिनिंग, क्लियर है। अब बेटा लेस करेंगे, इसमें लेस करेंगे स्टॉक एट द एंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, फिर लेस करेंगे क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ठीक है लेस कर देंगे, फिर बेटा लेस कर देंगे क्रेडिटर एट द बिगिनिंग हो गया, फिर हम लोग लेस कर देंगे एडवांस, कौन बता सकता है एडवांस पेड सप्लाई टू द बिगिनिंग, तो बेटा यहां एंडिंग, जहां वहां बिगिनिंग होगा या एंडिंग होगा, देखो यहां पर बिगिनिंग है या एंडिंग है, मतलब ये चार चीज याद करो उसका सब परचेस को छोड़ के बाकी सब अपोजिट हो जाएगा, ये रखने यही है याद रखने, बिगिनिंग है इधर एंडिंग हो जाएगा,
परचेस नहीं होगा, क्रिएटर एट द एंडिंग है, इधर बिगनिंग हो जाएगा, एडवांस पेड एट द सप्लायर बिगनिंग है, इधर क्या हो जाएगा एंडिंग हो जाएगा, एडवांस पेड एट द एंडिंग, और क्या हो गया। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएंगे वही बेटा कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, कंज्यूमेबल आइटम्स टू बी सोन ऑन कहां सो करेंगे, टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बेटा आपको याद रखना होगा, मतलब आपको याद रखना है कि जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे वो डेट मींस एक्सपेंडिचर साइड में शो होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में दिए रहेंगे स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे इसमें, और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंज्यूमेबल डेट मींस आइटम होते हैं। आज हमने कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स पढ़ा है, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि कंज्यूमर आइटम्स किसे कहा जाता है, कंज्यूमर आइटम्स दैट मींस दैट प्रोडक्ट्स व्हिच यूज रिकरेंटली एंड डिस्कार्डेड, जिसे हम लोग दोबारा बार बार यूज करते हैं और डिस्कार्डेड कर देते हैं, वैसे आइटम को हम लोग कंज्यूमर आइटम्स बोलते हैं। जैसे स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, है ना, ये सारे कंज्यूमर आइटम्स है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कंज्यूमर आइटम्स को सिंपल एक फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्या क्लोजिंग स्टॉक। फिर ओपनिंग स्टॉक वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, हमने पढ़ लिया। फिर इसमें एक नोट हमने लिखाया था कि अगर किसी कंज्यूमर आइटम्स को सेल किया जाता है, याद रखना, यदि किसी कंज्यूमर आइटम को सेल किए जाते हैं डेट मीन्स उस आइटम को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और वो डेट मीन्स इनकम साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर जस्ट डेट में हमने बताया कि कंज्यूमर आइटम को बनाने का प्रोसेस क्या है, तो दो प्रोसेस है, एक स्टेटमेंट प्रोसेस है, दूसरा लेजर प्रोसेस है। स्टेटमेंट प्रोसेस को फार्मूला बेस्ड प्रोसेस भी बोलते हैं और लेजर प्रोसेस को अकाउंट बेस्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट प्रोसेस में एक फार्मूला है, डेट मीन स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट वाइज को डील किया गया, जो हमने फार्मूला यहां पर जस्ट मीन दे दिया है, ठीक है। और लेजर प्रोसेस पे डेट मीन अकाउंट बनाना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो बच्चों।